डियर स्टूडेंट, आज के इस लेसन में अपन पेपर सेकंड बीए पार्ट थर्ड का जो जिसका नाम है आधुनिक विश्व या विश्व का इतिहास का जो पहला लेसन है पुनर्जागरण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण क्या है, किस प्रकार से हुआ, क्या कारण थे, क्या क्या परिवर्तन हुए, उसी का ही विस्तार से वर्णन इस अध्याय में हम लोग करेंगे। तो पहले पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण को हम कह सकते हैं फिर से जागना, पुनर्जागरण फिर से जागना, इसके बारे में अर्थ विशेषताएं परिभाषा बाद में बताएंगे। पहले बताना चाहते इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। पृष्ठभूमि बताया जाता है कि पुनर्जागरण यूरोप में प्रारंभ हुआ था और लेख 5वीं से 14वीं जो शताब्दी थी उस दौरान कहा जाता है कि यूरोप में अंधकारमय माहौल था। अंधकार में माहौल से तात्पर्य एक नहीं बौद्धिक परिवर्तन हो रहा था, नहीं स्वतंत्र चिंतन का विकास हो रहा था, नहीं कुछ परिवर्तन हो रहा था। यानी जैसा जो चल रहा है, जो पुरातन व्यवस्था चल रही है, जो प्राचीन व्यवस्था चल रही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। और कुछ वर्ग ऐसे भी थे जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, न ही बौद्धिक विकास चाहते थे, न खोजे चाहते थे। तो इसके कारण यूरोप में अंधकार का माहौल था, एक विकास या कह सकते अभिवृद्धि रुक सी गई थी। इसके कुछ कारण थे, क्योंकि देश पहला जो सामंत थे, सामंत यूरोप में भी थी सामंतवादी प्रणाली, राजस्थान में भी थी। राजस्थान में सामंतवादी जो प्रणाली थी वो यूरोप की प्रणाली से अलग थी। तो सामंत राजा के ही मुलाजिम होते थे और राजा के निर्देश पर कार्य करने वाले होते थे। तो कहा जाता है कि यूरोप में सामंत वर्ग जो था यह परिवर्तन का विरोधी था। ये नहीं चाहता था भाई किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, क्योंकि इसे लगता था कि अगर परिवर्तन होना है तो क्या होगा, उसकी जो सत्ता है, उसे जो सुख मिल रहा है वो नष्ट होगा। इसलिए ये नहीं चाहते थे भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो। सेकेंड, जो पादरी वर्ग थे, ये पादरी वर्ग क्या करते थे, धर्म ग्रंथों की सर्वोच्चता पर बल देते थे। क्यों, क्योंकि इनकी आजीविका का साधन एकमात्र था धर्म ग्रंथ या धार्मिक क्रियाकलाप, और इनकी वजह से जब ये कमा के खा रहे हैं तो अब ये क्या कहते थे, सिर्फ और सिर्फ इनकी सर्वोच्चता पर बल देते थे। यानी इन धार्मिक ग्रंथों में जो भी कुछ लिखा है वो सारी बातें सत्य मानने पर बल देते थे कि भाई वास्तविक बातें हैं इसमें, सत्य बातें हैं। और अगर कोई विरोध करता, क्योंकि हर जगह विरोध करने वाले होते हैं, अगर कोई इन धार्मिक ग्रंथों की सर्वोच्चता का विरोध करता तो ये क्या करते, यह वर्ग उनको नास्तिक कहते या उन्हें दंडित करवाते थे। और इनके आतंक के कारण ही कहा जाता है कि लोग इन्हें चुनौती देने से कतराते थे। तीसरा, मेनर प्रथा, मेनर प्रथा से तात्पर्य है जागीर प्रथा से। कहा जाता है कि किसान, वह जो श्रमिक थे,
इस जागीर प्रथा से जुड़े हुए थे और इसी में ही कार्य करके अपना जीवन व्यापार कर रहे थे। अब ये अगर छोड़कर जाना चाहे किसको, इस जागीरदारी प्रथा को, बंधुआ मजदूरी को, तो इससे पहले क्या करना पड़ता था, सामंतों की स्वीकृति लेनी पड़ती थी और सामंत आसानी से इन्हें स्वीकृति नहीं देते थे। अतः ये भी इसी प्रथा से या इसी व्यवसाय से जुड़े हुए रहे। इसके अलावा है गिल्ड या व्यवसाय श्रेणी। पश्चिम में भी आपने पढ़ा गिल्ड क्या है, विभिन्न व्यवसाय करने वालों की श्रेणी या यूं कह सकते हैं कि संगठन था। अब यहां पर जो काम करने वाले थे इनमें श्रमिक वगैरह, वो भी क्या कर छोड़कर जाना चाहते, लेकिन इन मालिकों की स्वीकृति के बगैर नहीं जा सकते थे। यानी कोई इंटेलिजेंट है, वो चाहता है मेरा व्यवसाय स्थापित करूं या मेरा कारोबार करूं मैं, लेकिन क्या कंडीशन थी, मालिकों की स्वीकृति जरूरी थी और वे उन्हें स्वीकृति नहीं देते थे। रिपीट कर रहा हूं, आप इस लेसन आपके चल रहा है पुनर्जागरण, जिसका तात्पर्य यह है फिर से जागना। पुनर्जागरण कहा हुआ था यूरोप में, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आधुनिक विश्व, जो बुक्स का नाम है, पृष्ठभूमि कहा जाता है कि 5वीं से 14वीं शताब्दी तक यूरोप में अंधकार में माहौल था, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, पुरातन व्यवस्था चल रही थी, जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही चल रहा था। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा था, अंधकार में माहौल क्यों था, उसके जो कारण थे वो थे सामंत परिवर्तन नहीं चाहते थे। इसके अलावा पादरी वर्ग क्या करते थे, धर्म ग्रंथों की सर्वोच्चता पर बल देते थे, विरोध करने वालों को दंडित किया जाता था। इसके अलावा मेनर जो प्रथा थी जिसे कहा जाता है जागीर प्रथा, किसान व श्रमिक कुछ अलग करना चाहते लेकिन सामंतों की स्वीकृति के बगैर वे कार्य नहीं छोड़ सकते थे। इसके अलावा व्यवसाय की जो श्रेणियाँ थी, वहाँ पर श्रमिक अगर अपना व्यवसाय स्थापित शुरू करना चाहते तो मालिकों की स्वीकृति जरूरी थी और मालिक उन्हें स्वीकृति नहीं देते थे। तो इससे क्या, इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में यूरोप के व्यक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व दब गया और बौद्धिक चिंतन व आविष्कार करने के अवसर नहीं मिल पा रहे थे और बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति रुक गई। तो क्या हुआ, इससे यही स्पष्ट हुआ, स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का स्वतंत्र चिंतन यानी स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति या क्षमता दब गई। इसके अलावा बौद्धिक व वैज्ञानिक प्रगति व वैज्ञानिक प्रगति रुक गई। तो इसलिए यूरोप में कहा जाता है कि अंधकारमय माहौल था और कहा जाता है कि बाद में 14वीं सदी के मध्य के दौरान लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा और वो परिवर्तन चाहने लगे और इसे ही कहा जाता है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण क्या हुआ, अंधकार में माहौल था लेकिन 14वीं सदी के मध्य में लोगों का नजरिया बदलने लगा, दृष्टिकोण बदलने लगा, वे परिवर्तन की चाहत रखने लगे और इसी ही इतिहास में पुनर्जागरण कहा जाता है।
नेक्स्ट है पुनर्जागरण का अर्थ। ये तो थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखिए पुनर्जागरण जो है जिसका तात्पर्य होता है फिर से जागना, इसके लिए आंग्ल भाषा जिसे कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में रिनेसा शब्द का प्रयोग किया गया है। पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना, और इसके लिए अंग्रेजी भाषा के रिनेसा शब्द का प्रयोग हुआ है। और संक्षेप में पुनर्जागरण क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन। एक सांस्कृतिक आंदोलन। कौन सा उदाहरण? तो पुनर्जागरण क्या है संक्षेप में अगर सार देखा जाए तो यह है कि पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो कि उदार था और जिसने विज्ञान के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में परिवर्तन किए। यह है पुनर्जागरण का अर्थ। यानी कुल मिला के जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है उसमें कुछ परिवर्तन करना। अब देखिए पुनर्जागरण की विशेषताएं। पुनर्जागरण की विशेषताएं, पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं थी? पहली वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करना। वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करना से तात्पर्य है कि अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के पश्चात फिर उसका वर्णन करना, उसकी व्याख्या करना। जैसे आपको पता है कोरोना वैक्सीन का निर्माण कई देश कर रहे हैं कहीं, लेकिन ये थोड़ी डायरेक्ट ही मनुष्य पर यूज किया जाने लग गया। नहीं, पहले उसकी ट्रायल होती है कहीं दौर की, उसके पश्चात फिर जब वो संतुष्ट होते हैं हाँ अब ये कारगर हो सकती है तो उसके बाद फिर उसे प्रयोग में लिया जाता है लोगों को लगाने के लिए। उसी प्रकार पुनर्जागरण की जो पहली विशेषता है वो है वैज्ञानिक ढंग से किसी बात की व्याख्या करना। सेकेंड है इसकी विशेषता स्वतंत्र व्यक्ति का विश्वास, व्यक्तित्व का विकास। स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास, स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास से तात्पर्य है कि अंधविश्वास रूढ़िया है, धार्मिक बुराइयां है, उनका विरोध करना या उनके बारे में वास्तविकता जान लेना। तो क्या हुआ? पुनर्जागरण के कारण व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास हुआ। उससे पता चला कि अंधविश्वास है, रूढ़िया भी है और धर्म के क्षेत्र में बुराइयां भी है, और चर्च के बंधन से मुक्ति व्यक्ति को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट,
मानववादी विचारधारा। पुनर्जागरण से पहले बताते हैं कि जो धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए थे पादरी वर्ग वगैरह वगैरह, वो क्या करते थे, वो यह बताते थे कि व्यक्ति ने इस धरती पर जो जन्म लिया है वह पाप है और व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने इस लोक की चिंता ना करके परलोक को सुधारने पर बल देना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें तपस्या करना चाहिए, निर्वृत्ति मार्ग यानी त्याग मार्ग को अपनाना चाहिए। तो लोग पहले क्या है, इस लोक की चिंता ना करके परलोक की चिंता करते थे क्योंकि डरते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब मानववादी विचारधारा को बल मिला, लोगों की धारणा परिवर्तन आया उन धारणाओं में कि वास्तव में जो पहले कहते थे वो सब गलत है, परलोक की चिंता ना करके व्यक्ति को इस लोक की चिंता करना चाहिए। और इस ही, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता था, इस मनुष्य जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि हमारा नाम हो। तो यह है मानववादी विचारधारा। नेक्स्ट है देशज स्थानीय भाषाओं का विकास। कहा जाता है कि पुनर्जागरण से पहले यूनानी, लैटिन, लैटिन आदि भाषाओं में ही धार्मिक ग्रंथ व अन्य ग्रंथों का निर्माण किया जाता था, यही मुख्य भाषाएं थी। लेकिन पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ, जो स्थानीय भाषा है, जैसे हम स्थानीय रूप से बोलते हैं, स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ, अब लोग इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। चित्रकला के क्षेत्र में, अब चित्रकला के क्षेत्र में क्या विशेषता थी, यथार्थ का चित्रण। यानी चित्र जो बनाए थे वास्तविकता उनमें नजर आती थी, मनगढ़ंत नहीं होते थे। विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में निरीक्षण चार प्रक्रियाओं से होकर गुजरती थी, निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण। यानी हर चीज की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती थी, उसके बाद ही फाइनल उसे टच दिया जाता था। जैसे पहले निरीक्षण किया जाता था, फिर अन्वेषण मतलब खोज होती थी, फिर उसकी जांच होती थी, फिर बाद में उसका परीक्षण किया जाता, तब जाकर उसे मान्यता मिलती थी। जैसे धार्मिक ग्रंथों में कोई चीज है कि भाई हाँ ऐसी बातें हैं, सब धर्म ग्रंथों की बातें वास्तविक है, नहीं, पहले निरीक्षण करो, तुलना करो, अन्वेषण करो, खोज करो, फिर बाद में जाके परीक्षण करो कि वास्तविकता क्या है। तो विज्ञान के क्षेत्र में ये परिवर्तन होगा, यह विशेषता थी। तो आज के इस लेसन में अपन ने पुनर्जागरण क्या है के बारे में अध्ययन किया। पुनर्जागरण से पहले यूरोप की स्थिति क्या थी, 5वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य तक अंधकार में माहौल था। पुनर्जागरण कहाँ हुआ यूरोप में, कब से, बताते हैं मध्य 14वीं सदी से। पुनर्जागरण की जो विशेषता क्या थी, वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करना, यानी तोड़ मरोड़ के तथ्यों को, तोड़ मरोड़ के नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप,
इसके अलावा व्यक्ति का व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास हुआ, बुराइयां नजर आने लगी, विरोध करने लगा, मानववादी विचारधारा के प्रवर्तक एल्टन मेयो को कहा जाता है, और इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के जीवन पर बल दिया जाने लगा कि इस मनुष्य जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और उसे अपने कार्य सिद्धि पर ही बल देना चाहिए, जबकि पहले होता था मनुष्य जीवन में जन्म लेना ही पाप है। स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ, चित्रकला के क्षेत्र में क्या विशेषता थी, यथार्थ का चित्रण, विज्ञान के क्षेत्र में क्या विशेषता थी, निरीक्षण करना, अन्वेषण करना, जांच करना और परीक्षण करना। तो आज के इस लेसन में पर्याप्त है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें विस्तार से इस लेसन के बारे में और चर्चा करेंगे भी किस कारण से पुनर्जागरण हुआ। थैंक यू।